अच्छा टॉपिक का नाम है ममेलियन स्किन बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है तो सबसे पहले देखा जाए ममेलियन स्किन किस से बनी होती है तो बड़े कंपोज होती है थ्री लेयर से पहली लेयर का नाम है एपिडर्मस एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है सबसे बाहर वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली लेयर और मल्टी लेयर ऑफ सेल से बनी होती है काफी ज्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये लेस थिकर होती है देन डर्मस डरमिस से ज्यादा थिक नहीं होती

इसकी लेयर होती है इंपर्मिएबल होती है इनसोलेबल होती है प्रोटेक्ट करती है मैमल्स को डिहाइड्रेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और अदर फैक्टर से और इसका जो रैपिड सेल डिवीजन आपको नजर आती है डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मस जो कि करता है क्या पुश सेल्स करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ़ स्किन मतलब जो डीपस्ट लेयर होती है वहां पे बड़ी ज्यादा डिवाइड होते हैं सेल और ये क्या करते हैं नीचे से सर ऊपर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सरफेस एरिया में आना स्टार्ट होते हैं ये बड़ा स्किन है ये एपिडर्मस है ये डर्मिस ये सब क्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट है ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेबेशियस ग्लैंड uh, है ये स्वेट ग्लैंड है और ये स्वेट पोर है जहाँ से निकल के जाएगा पसीना आपका और ये स्किन सर्फस आपको नजर आ रहा है और ये बेटा हेयर है जो यहाँ से बाहर निकलेगा हेयर ठीक है बेटा अब मेरे बच्चे देखते हैं दूसरी लेयर है डर्मिस डर्मिस जो कि मोर थिकर है एपिडर्मस है इसके पास क्या है ब्लड वेसल्स के पास होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स हैं नर्व एंडिंग होती है डर्मिस के पास हेयर फोलिकल्स होते हैं स्मॉल मसल्स होते हैं और ग्लैंड होते हैं ये सारी चीजें डर्मिस के पास मौजूद हैं ग्लैंड कौन से होते हैं है? मेरे बच्चे दो तरह के ग्लैंड हैं जो कि प्रेजेंट हो एक का नाम सिबेशियस ग्लैंड है एक का नाम सोडिफेरस ग्लैंड है सोडोरीफायरस और सबेशियस सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं ऑयल ग्लैंड को सोडोरीफायरस कहते हैं बेटा स्वेट ग्लैंड को जो ऑयल ग्लैंड है ये बेटा स्किन को इम्पर्मिबल बनाता है और इमोलीमेंट बनाता है मतलब कि सॉफ्ट करता है स्किन को और ये सिक्रिएट करता है कि इसको बड़ा सीबम को जो स्वेट ग्लैंड है मेरे बच्चे ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को और रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर सोल्ट मिनरल्स को और ये कूलिंग इफेक्ट में मदद देता है सोडोरीफेर जिसको स्वेट ग्लैंड का नाम दिया जाता है अगली लेयर आता है जिसका नाम है हाइपोडर्मस हाइपोडर्मस मेरे बच्चे बनाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्मूथ टिश्यू से और एडिपो टिश्यू से हाइपोडर्मस के पास तीन चीज़ें हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं स्मूथ टिश्यूज़ हैं और एडिपोस टिश्यूज मौजूद होते हैं अब मेरे जो, जो स्किन है ना स्किन इसके काफी सारे फंक्शंस हैं जैसे ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्वेट पॉर दिस प्रोसेस को प्रस्पीरेशन एंड स्वेटिंग प्रस्पारेशन कह सकते हैं और स्वेटिंग कह सकते हैं तो ठंडक पैदा करने के लिए जो कूलिंग इफेक्ट है वो स्किन के जरिए होता है अब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इट एंड कन्वर्टिंग इन टू विटामिन डी जो कि अब्जॉर्ब हो सनलाइट करना हो विटामिन डी को अगर कन्वर्ट करना या उसको बनाना ये भी स्किन का काम होता है स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंस ऑर्गन होता है जो कंटेनिंग करता है सेंसरी रिसेप्टर जैसे हीट कोल्ड टच पेन प्रेशर ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये मेरे बच्चे कहाँ मौजूद है मेरे बच्चे स्किन के ऊपर मौजूद है स्किन स्क्रीन करता है स्किन स्क्रीन आउट करता है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस को फ्रॉम द सन तो जितने भी सूरज से आने वाले शुआएं हैं उसको स्क्रीन आउट करना उसको फिल्टर करना ये भी स्किन का काम होता है जो कि मैमल की स्किन करती है ये सारे का सारे ह्यूमन बींग के मैंने फंक्शन बताए हैं अब मेरे जो स्किन के ऊपर आपको नजर आते हैं हेयर्स हेयर्स के कंपोज होते हैं कैराटीन फिल्ड सेल से मतलब कि कंपोज किससे होते हैं कैराटीन फिल्ड सेल से कैराटीनाइज होते हैं ना कैराटी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं तो यह डिवेलप होते हैं

अब उस रूट के गिर्द होते हैं अरेक्टर पिलाई क्या होते हैं अरेक्टर पिलाई ये क्या है स्मूथ मसल्स है जो अटैच करते हैं टू द शीट ऑफ अ हेयर फोलिकल मतलब जो हेयर है हेयर जैसे ये हेयर है हेयर फोलिकल इस हेयर फोलिकल के बाहर ये अरेक्टर पिलाई है ठीक हो गया तो ये क्या करते हैं अटैच होते हैं शीट ऑफ हेयर फोलिकल ये शीट जो कंपोज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से मतलब ये जो शीट है फोिकल की शीट किससे बने कोनेक्टिव टिश्यू से और कोनेक्टिव टिश्यू जो शीट है इसके साथ अटैच है अरेक्टर अरेक्टरप्लाई जो स्मूथ मसल्स है शीट सराउंड करती है बल्ब ऑफ बल्ब ऑफ द हेयर फोलिकल ये फोलिकल को कवर करके रहती है शीट इसी तरह अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पुल करते हैं फोलिकल को और हेयर बिकम आरक्ट और इस तरह से बाल सीधा हो जाता है हेयर स्ट्रेट हो जाता है जब ये स्ट्रेट हो जाता है हम इसको कहते हैं कॉल्ड घूस बम्प है अब ये घूस बम्प ये बाल खड़े क्यों होते हैं ये वजह क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वार्म बॉडी बॉडी को गर्म में गर्माहट देने के लिए वार्म रखने के लिए बाल खड़े हो जाते हैं हेयर्स अरेक्ट हो जाते हैं जो एयर है वो फील्ड करती है बिटवीन द हेयर्स जो कि हवा बालों के इर्द गिर्द मौजूद होती है वही एयर एक्ट करते हैं एज इन इंसुलेटिंग इन, एयर acts as oh sorry air acts an insulating layer between the erect air एंड स्किन तो जो बाल है और जो स्किन है उसके दरमियान जो इंसुलेटिंग का काम करती है वो बेटा वो एक लेयर होती है जो किसकी बेटा लेयर होती है वार्म एयर की लेयर होती है इसी तरह ये जो मैम एनिमल्स हैं इसी तरह ये फ्राइटन एंड अरेक्ट देयर एयर्स ये अपने आप को बड़ा करने के लिए या कुसे दूसरे जानवर को डराने के लिए अपने साइज को बड़ा करने के अपने बालों को खड़ा कर देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैंने तुझे अभी जानो मार देना है मैंने तुझे अभी जिंदा गाड़ देना है तो वो अपने साइज को बड़ा करने के लिए डराने के लिए अपने बालों को खड़ा कर देते हैं जैसे आपने देखा होगा अक्सर मुर्गे

जो मैमल्स हैं या मैमल्स की जो स्किन है उसके पास नेल्स भी होते हैं और नेल्स किसकी मॉडिफिकेशन है बेटा एपिडर्मस की नेल्स आपको फ्लैट भी नजर आते हैं और होनी प्लेटफॉर्म में भी नजर आते हैं मतलब फ्लैट भी होते हैं और होनी प्लेटफॉर्म में नज़र आते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये डोरसल सर्फस ऑफ द डिजल सेगमेंट ऑफ द डिजिट या आपको जो आपके हाथ या पाव हैं जो कि डोरसल सर्फस में मौजूद होते हैं उसके डिजटल सेगमेंट पर यह डिजिट के पास मौजूद होते हैं मतलब ये आपके उंगलियों और पाँव के पास

मैमल्स जैसे एग्जाम्पल मेलानीन, मेलानीन आपको पता है हमारे स्किन जो कि स्किन है तो ये मेलानीन की वजह से हमारा ब्राउन स्किन आता है और डिफरेंट मैमल्स का जो कलर आता है वो डिफरेंट पिगमेंट की वजह से आपको नजर आती है किस जगह पर मौजूद होती है यह प्रेजेंट होती है विदिन द सेल्स ऑफ द एपीडर्मल लेयर इवन के आल्सो प्रेजेंट इन हेयर पालों के अंदर भी होती है और यह प्रेजेंट होती है स्पेशलाइज सेल्स जिसका नाम है क्रोमेटोफोर तो क्रोमेटोफोर में होती है हेयर के अंदर होती है और इवन के इवन ये विद इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल लेयर ये सेल्स के अंदर होते हैं जो कि एपिडर्मस लेयर के अंदर मौजूद हैं इसी तरह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो ममेरियन स्किन है इसके एनाटॉमिकल anatomic, स्ट्रक्चर uh, होता है ये स्किन का एक सबसे बड़ी खासियत है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जिस वजह से ये अब्ज़ोब और रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को और प्रोड्यूस करते हैं कलर को मतलब इनका ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है कि ये लाइट को जितना ज़्यादा ज़्यादा अब्जॉर्ब अब कर सकें या रिफ्लेक्ट कर सकें जिसकी अब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा कलर प्रोड्यूस होता है इवन के मैमल्स की ब्लड वेसल्स की वजह से भी कलर शो होता है मतलब कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं सम ब्लड वेसल्स आल्सो प्रोड्यूस कलर वो जो ब्लड है जो कि ब्लड प्रेजेंट इन सम सुपरफिशियल ब्लड वेसल इन स्किन जो कि ब्लड मौजूद होता है सुपरफिशियल जो कि स्किन के लेवल के ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है कलर ऑफ ब्लड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द एपिडर्मिस जो कि कलर ऑफ ब्लड रिफ्लेक्ट करता है किसे बेटा एपिडर्मिस के थ्रू तो कलर ऑफ ब्लड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द एपिडर्मिस तो ये जो कलर है ये मेरे बच्चे ब्लड के जरिए से भी प्रोड्यूस होता है इन मैमल्स के अंदर तो ब्लड वेसल्स एनाटोमिकल स्ट्रक्चर और पिगमेंट्स इन तीनों की वजह से डिफरेंट मैमल्स के अंदर कलर शो होता है तो ब्लड वैसल्स के अंदर ब्लड और एनाटोमिकल स्ट्रक्चर जो कि लाइट के अब्जॉर्बशन और रिफ्लैक्शन की वजह से और पिगमर जैसे कि मैंने मैलानीन के बारे में बताया इन तीनों चीज़ों की वजह से जो कि आपको नज़र आता है डिफरेंट कलर मैमल्स के अंदर इसका एडवांटेज क्या है स्किन कलर जो कि हाइड करने में मदद देता है एनिमल्स को जैसे कि आपने देखा होगा कुछ का कलर क्या होता है ब्राउनिश कलर होता है जो कि किसी भी दरख्त के ऊपर अगर चढ़े बैठे हुए हैं या चढ़ा हुआ कोई मैमल तो उसका कलर ब्राउनिश कलर होने की वजह से वो नजर नहीं आता तो हाइड कर देता है इवन के ये प्ले रोल करता है सोशल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन में मदद देता है और इवन के हेल्प मेम्बर्स ऑफ द सेम स्पीशी टू आइडेंटिफाई ईच अदर ये आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है और ये ब्राइट स्किन कलर जिसका भी होता है जिस मैमल्स का होता है ये प्रोड्यूस इन विनोमस जो कि ब्राइट स्किन कलर होता है ये विनोमस जो जहरीली चीज़ होती है उसका कलर होता है जो कि टॉक्सी टॉक्सिनस शो करता है और बैड टेस्टिंग एनिमल शो करता है मतलब जितने भी आपको जानवर या मैमल नज़र आते हैं जिनका ब्राइट कलर होता है बड़ा ही ब्राइट चमकदार कलर होता है उसकी वजह यह है कि जिसका भी ब्राइट कलर होता है वो ज़्यादातर देखा जाए तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा बैड टेस्ट होता है उसको कोई खाता है नहीं है और इवन कि जिसका ब्राइट स्किन कलर होता है ये शो करता है इंडिकेशन है कि ये हरीली चीज है तो ब्राइट स्किन कलर जो होता है वो प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत ज्यादा कार आमद होता है इन जानवरों के लिए इवन के जो स्किन कलर है वो प्ले रोल करता है सेक्स इन देयर सेक्स रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्टेटस के अंदर और सोशल रैंक के अंदर भी तो सोशल रैंक के अंदर भी और रिप्रोडक्शन स्टेटस के अंदर भी और इवन सक्सेस के अंदर भी स्किन कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है तो कुछ के अंदर स्किन कलर आता है ब्लड वेसल्स की ब्लड के ज़रिए से कुछ के अंदर एनाटॉमिकली से कलर प्रोड्यूस होता है और कुछ के अंदर बड़ा पिगमेंट के जरिए से कलर प्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ बाकी लेक्चर्स भी अपलोडेड है स्किन के ऊपर जैसे कि फिशेज है अम्फीबियंस है रेप्टाइल्स है और इसके साथ बर्ड्स और बर्ड्स के साथ मैमल्स ओके बेटा अल्लाह हाफिज़